नमस्कार। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और सभी नेता इसमें वोट के लिए पूरी जोर आजमाइश करेंगे, लेकिन ग्राउंड से जुड़ी समस्याएं आज हम दिखाएंगे। और आज हम पहुंचे हैं अर्जुन नगर की गली नंबर 5 में, जहां ये महिलाएं आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में अगर बात करें या इस गली में बात करें किस चीज़ की ज़रूरत है, और जो नेता इनके बीच आएंगे उनको क्या कुछ ये कहेंगे, और जो नेता पहले जो सरकार बनी है उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन अब नेता इनके बीच जरूर पहुंचेंगे और किस चीज़ की इनको ज़रूरत है इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं बारी बारी। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है जी? कमलेश जी। कमलेश जी, आप बताइए जी, आपके वार्ड में क्या कुछ समस्या है और हमारे चुनाव चल रहे हैं तो कौन सी पार्टी को आप इस बार वोट? हम तो झाड़ू वाले को देंगे। मास्टर सतवीर गोयल सर जी आए थे, वो जिम्मेवारी लेके गए हैं भाई। हम भाई झाड़ू वालों को जिताएंगे, हम सारा काम करवाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सबसे ज्यादा बिजली से तंग है और पानी से तंग है। अच्छा जी। हाँ जी, और बच्चों के इलाज से इलाज के लिए। तो मास्टर जी क्या कह के गए? मास्टर जी ने कहा था भाई, उन्होंने हमारी सारी गली में फिर के देखा था। अच्छा, सबकी समस्या सुनी थी और घर भी देख के गए थे, किसी के घर में प्रॉब्लम है। और लेकिन उन्होंने कहा था भाई हम सारा काम करेंगे, पर हम मास्टर सतवीर गोयल के साथ हैं जी। सतवीर गोयल जी? हाँ जी। उनकी बातें अच्छी लगी आपको? हाँ जी। उनकी पार्टी भी ठीक लगी? हाँ जी। आप बताइए क्या नाम है? आरती। आरती, आप भी यहीं रहते हो जी? हाँ जी। तो क्या कुछ जैसे समस्या इन्होंने बताया, इसके अलावा क्या कुछ होना चाहिए और जो नेता जैसे बढ़ते हैं? यहाँ पे ज्यादातर तो साफ सफाई भी नहीं है यहाँ इस गली में, 5 नंबर गली में। और यहाँ पे ना तो बिजली बिल है जो बहुत बढ़ के आ रहे हैं, और जैसे पंजाब में भी बहुत कम बिजली बिल आ रहा है उसमें। इसमें हमें सुविधा चाहिए। तो कितने कितने बिजली बिल आ रहे हैं आपके वहाँ? यहाँ पे तो आते हैं 3-3, 5-5 हजार आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, 6 हजार। हाँ जी, 10-10 हजार आ रहे हैं। हाँ जी, पिछली बार 5 आया था, 2 महीने के अंदर 6 हजार रुपए आया है। अब की बार? हाँ, बहुत ज्यादा। अब की बार हमारा बिजली 8 आया। 8 हजार आया। हाँ जी। तो जैसे उन्होंने बताया कि मास्टर जी आए थे यहाँ? हाँ जी। तो क्या उन्होंने पूरी गारंटी के साथ बोला है कि हम अगर मैं बन गया ना तो यहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री होंगी। हम तो झाड़ वाले। हाँ जी, हम तो उन्हीं के साथ, केजरीवाल जी के साथ है। केजरीवाल जी के साथ। हाँ जी। तो उनकी नीतियाँ हैं जो पार्टी की, जो वो बता रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, वो ठीक लगे आपको? हाँ जी। हाँ, वो तो हम उन्हीं को हर समस्या सुनी हमारी भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हमारे हर घर के मैं गए, हर गली में देख के आया सर। आप बताइए क्या नाम है जी? मुकेश राणे जी। आप बताइए जी कि जैसे मास्टर जी यहाँ आए थे, जिन्होंने बताया, क्या वो कह के गए और क्या कुछ आपको उनकी बातों से लगा? उसकी बातों से लग रहा था जी, जैसे वो गारंटी कार्ड दे रहे थे कि वो अपने वादे पे कायम रहेंगे। गारंटी कार्ड के साथ सारे मोहल्ले में हम उसको लेके गए, सारी गलियां नाड़े सारे सीवर देख के गए हैं वो। अच्छा। उन्हें गारंटी के साथ कहा कि हम ये सब सुविधा करेंगे आपके लिए। तो आप लोगों ने विश्वास है? हाँ जी, हमको विश्वास है। उस उन्होंने बताया कुछ होगी पंजाब में किस तरह के काम हो रहे हैं? हाँ जी, पंजाब में क्या है, उन्हें बसों का किराया फ्री है, बिजली फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, ये सब गारंटी लेता हूँ मैं, ये सब काम होंगे आपके, अगर नहीं होंगे तो आप मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस कर देना। अच्छा, इतना तक? हाँ जी। अब जैसे विधायक जी यहाँ आए हैं कभी आप लोगों ने सुध ली है? कोई विधायक नहीं आता यहाँ, तो सिर्फ वोट लेने आते हैं, लेके चले जाते हैं, वादे करते हैं, मुकरते हैं। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, गरीब आदमी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे जी। आप बताइए क्या नाम है? संध्या नाम है सर मेरा। जो विधायक जी हैं, आज तक जितनी भी पार्टी हैं, किसी ने अपना गारंटी कार्ड नहीं दिया है जो हम आम आदमी पार्टी दे रहे हैं। गारंटी कार्ड इसलिए दे रहे हैं कि हम इन सबकी समस्या सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आप खुद ही देखो अब ये गलियों का हाल और इनके रहने का, रहन सहन का क्या काम है भी, ऐसी गंदगी में ये लोग कैसे जी रहे हैं? किसी ने आज तक इनसे आके पूछा? कभी किसी ने नहीं पूछा इनसे भी आप कैसे जी रहे हो और क्या कुछ आपके साथ हो रहा है। हाँ ठीक है, वोट मांगने के टाइम पे ये हाथ जोड़ के मांगते हैं, और वोट आने के बाद, वोट जीतने के बाद ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा आज तक, नहीं कोई भी आया। तो मास्टर सतवीर गोयल जी आए थे और मैं खुद लेकर आई थी उनको यहाँ पे इनकी समस्या सुनवाने के लिए। उन्होंने यहाँ तक की बोला है, अपना विजिटिंग कार्ड भी इन सबको दिया है कि अगर मैं जीतने के बाद काम ना करूं तो आप मेरे ऊपर कुछ भी केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मास्टर जी ने इनकी सबकी समस्याएं भी सुनी है, बड़े प्यार से इनसे बात भी की है, सारी गलियों का भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं। तो इनके बिल भी इतने आते हैं कि एक आप खुद देख लो, ये घर देख लो, इनके बिल भी कितने आए थे आपके? 2000 आए, और कुछ है नहीं, 2 पंखा 1 फ्रिज है,
बस और कुछ नहीं चलाती। दो पंखा एक फ्रिज का। हाँ जी 2000। हाँ जी हर महीने इतने आता है? हर महीने आते कभी 1500, 2000, 3000 के हमारे घर में तो कुछ चलता ही नहीं है। आप अंदर बढ़ के देख लो, अब हमारा 6000 रुपए बिल आ रहा है और पिछली बार 2 महीने के अंदर 6000 आ गया, पिछली बार 5000 था। और मैं तो जिस दिन का मीटर लगा बहुत तंग हो रही हूँ। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी फ्री बिजली पानी के वादे कर रही है, तो वो पार्टी ठीक लगती है? हाँ, वो हम तो उसी ने ले आएंगे जी, बहुत अच्छी पार्टी को लाएंगे जी, झाड़ू वाले आम आदमी। 6000 आया है आपका भी? 6000 मेरा खुद का 6000 आया घर का। बारिश के पानी सारे नाले अंदर जाए, बच्चे लेके बैठे रहना पड़ा। आंटी जी क्या नाम? यही है बेटा, मैंने तो बिजली का बिल ज्यादा आवे, ये नाली गंदी हो रही है, कोई आंदा नहीं हो रहा है। अच्छा, और पानी की ज्यादा दिक्कत है। हाँ जी, क्या नाम है? बहुत ही जी, आप बताइए क्या कुछ मेन दिक्कत है, मेन समस्या यहाँ? दिक्कत तो यहाँ सारी है जी, पंजाब में जाकर देख लो, सर बिजली भी माफ है, सारा कुछ माफ है, और यहाँ कुछ नहीं बनता। अच्छा, यहाँ तो वोट लेके एक पास हो जाते हैं, कुछ भी नहीं देते यहाँ।